साधु और सन्यासियों द्वारा भिक्षा मांगकर खाना योग परंपरा का एक हिस्सा है। क्यों बनाई गई थी परंपरा, आइए जानते हैं कि कैसे भिक्षा मांगना और खाली पेट रहना आध्यात्मिक साधना में मदद करता है। अपने देश में भिक्षा मांगना आध्यात्मिक परंपरा का एक अंग रहा है। लोग अपने भोजन को खुद नहीं चुनते थे, वे बस भिक्षा मांगते थे और जो कुछ मिल जाता था खा लेते थे। यह बड़े गौरव की बात समझी जाती थी कि आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा कोई शख्स आपके दरवाजे पर खड़ा होकर आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप उसे कुछ भेंट दे रहे हैं। आजकल ऐसी परंपराओं का दुरुपयोग हो रहा है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आध्यात्मिक साधक का चोला धारण करके भोजन और पैसे की तलाश में भीख मांगते नजर आते हैं। ये सामान्य भिखारी ही होते हैं, लेकिन जब लोग पूरी जागरूकता के साथ मांगते थे तो उसमें अलग तरह की संभावना होती थी, इसका अर्थ ही अलग होता था। जब कोई आपके सामने हाथ फैलाता है तो आपको यह लग जाए कि यह भिक्षा मांगने के रिवाज का दुरुपयोग कर रहा है तो आप उसे भीख देने से मना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वह मजबूरी में अपनी सही जरूरतों को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहा है तो एक अच्छे इंसान के नाते आपको उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। जरा सोच कर देखिए, यूं ही सड़क पर किसी के सामने हाथ फैलाना कितना मुश्किल काम है। हर इंसान यह किसी न किसी शारीरिक मजबूरी के कारण ही करता है। भिखारी अपनी असहायता के चलते यह सब कर रहा है, लेकिन सन्यासी ऐसा अपने आध्यात्मिक विकास के लिए पूरी जागरूकता के साथ कर रहा होता है, जिससे कि उसे अपने पर जरूरत से ज्यादा अहंकार न हो जाए। एक सामान्य भिखारी का ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता, वह अपने किसी अक्षमता की वजह से काम नहीं कर सकता और इसलिए अपना पेट भरने के लिए यह सब कर रहा है। आपको यह समझना होगा कि अक्षमता एक हाथ या पैर न होने को ही नहीं कहते, जीवन के बारे में आपकी सोच भी आपको अक्षम या अपंग बना सकती है। देखा जाए तो जीवन के प्रति सोचने का जो लोगों का तरीका है, इसके कारण एक बड़ी आबादी मानसिक और भावनात्मक रूप से अलग है। इसी तरह भिखारी ने अपने आप को दूसरों से अलग कर लिया है और उसकी सोच ऐसी बन गई है कि आजीविका कमाने का सबसे आसान तरीका भीख मांगना ही होता है। तो आइए जानते हैं क्यों मांगते थे आध्यात्मिक साधक भीख। एक आध्यात्मिक इंसान भिक्षा इसलिए मांगता है क्योंकि वह अपने अहम को छोड़ना चाहता है। आमतौर पर लोगों की सोच होती है कि मैं अपनी आजीविका कमाता हूँ, मेरा अपना पैसा है, मेरा अपना भोजन है, मेरा अपना घर है। ये विचार आपके अहम को बढ़ाते हैं। एक दिन एक आदमी कुछ फूल लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया। यह हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम किसी गुरु से मिलने जाते हैं तो उसके लिए फूल ले जाते हैं। जब वह इंसान फूल लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने कहा, गिरा दो। उस शख्स ने इधर उधर देखा, सोचा कि गौतम उसे क्या गिराने को कह रहे हैं। उसे लगा कि उसे फूल गिराने हैं। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि ये फूल तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस इंसान ने फूलों को गिरा दिया। गौतम ने फिर कहा, गिरा दो। उस आदमी ने कहा कि मैंने फूल तो पहले ही गिरा दिए, मैं आपके लिए फूल लाया था, लेकिन जब आपने कहा कि गिरा दो तो मैंने फूल गिरा दिए। अब आप क्या गिराने की बात कर रहे हैं? गौतम ने कहा, नहीं, पहले अपने अहम को गिराओ, फूल कोई समस्या नहीं है। तुम मेरे लिए फूल लाए, अच्छी बात है, मैं उन्हें स्वीकार कर लूंगा, लेकिन पहले अपने अहम या अहंकार को छोड़ो। इस तरह भिक्षा मांगने को अपने अहम को छोड़ने का एक साधन के तौर पर प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आजीविका कमाने के चक्कर में आपके भीतर बहुत सारा अहम इकट्ठा हो जाता है, लेकिन किसी के सामने हाथ फैलाते ही आप अपने अहम को त्याग देते हैं। आपको अच्छी तरह पता होता है कि आप समर्थ हैं, आप एक राज्य चला सकते हैं, फिर भी आप भिक्षा मांगने को चुनते हैं। किसी इंसान के भीतर यह एक जबरदस्त बदलाव होता है। तो हमारे यहाँ ऐसी परंपरा रही है कि साल में एक बार आपको भिक्षा मांगने के लिए निकलना चाहिए, जिससे कि आप अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें सोचना या करना बंद कर सकें। लोग आपको भोजन दे सकते हैं या आपको दरवाजे से भगा भी सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक भिखारी बनना कोई छोटी बात नहीं है। आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिक होने का मतलब यह कहते नहीं है कि आप मंदिर जाएं और प्रार्थना करें, यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह तो भौतिकता है। अगर भगवान नीचे उतर आए और खुलकर कहें कि वे आपकी किसी भी भौतिक जरूरत को पूरा नहीं करेंगे तो ज्यादातर लोग उनसे नाता तोड़ लेंगे। आपको लगता है कि आपके देवता आपके लिए सौभाग्य, पैसा, स्वास्थ्य और सफलता लेकर आते हैं, इसलिए आप उनसे जुड़े होते हैं, यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह तो भौतिकता है। आप स्वर्ग जाना चाहते हैं, यह आध्यात्मिकता नहीं है। स्वर्ग का अर्थ है कि जो भी सुख सुविधाएं और विलासिता के साधन हो सकते हैं वे सब वहाँ पहले से ही मौजूद है, इसलिए आप वहाँ जाना चाहते हैं। जाहिर है स्वर्ग जाने की चाह भी अपने आप में भौतिकतावादी ही है। अभी आप हर इच्छा को अपनी पांचों इंद्रियों की सीमा में रहकर देखते समझते हैं, इस वजह से आपके जीवन का पूरा अनुभव भौतिक है। अध्यात्म का मतलब है कि उस चीज की खोज करना जो भौतिकता से परे है। अगर आप ऐसी चीजों को खोजना चाहते हैं जो भौतिकता से परे है तो यह जरूरी नहीं है कि आप भौतिकता को इनकार करें, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप भौतिकता से परे जाने के इच्छुक हो। आमतौर पर जब कोई पारिवारिक जीवन जीता है तो भौतिकता बहुत अहम हो जाती है। भौतिक शरीर के आराम में रखना और उसे दुलारना, यानी ठीक से खाना या अच्छा पहनना बेहद अहम हो जाता है। जब आपका भौतिक शरीर आपके भीतर इतना महत्व पा लेता है, जब आप अपने शरीर के साथ इतने गहराई के साथ जुड़ जाते हैं, तो आप भौतिक को रूपांतरित करने की कोई कोशिश ही नहीं करते।
भौतिकता से परे जाने की आपकी जरूरत वह लालसा आपके भीतर से धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ऐसे में आप इस भौतिकता को बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं। इस भौतिक से परे क्या है आप उसे खोजने की कोशिश ही नहीं करेंगे। योग में ऐसे कई तरीके हैं जो आपकी अपने भौतिक शरीर की सीमाओं से परे जाने पर मदद करते हैं। इनमें से एक तरीका है परिवज्रक या भिक्षुक। जब आपको पता होता है कि आपको 7 बजे भोजन तैयार मिलेगा तो आपकी जिंदगी एक तरीके से चलती है। जब आपको पता नहीं होता कि आपको अगला भोजन कब मिलेगा तो जीवन बिल्कुल अलग तरह का होता है। भोजन आपके लिए बेहद मामूली बात है अगर वो आपके पास है, लेकिन अगर वो आपके पास भोजन नहीं है तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। आपको नहीं पता कि कई दिनों तक भूखा रहने और फिर भी पूरी जागरूकता और शालीनता के साथ चलते रहने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है। ऐसा करने के लिए किसी इंसान के भीतर जबरदस्त शक्ति का होना जरूरी है। अपने देश में भिक्षा मांगने को अपमानजनक नहीं माना जाता था। बहुत सारे मान लोग ऐसे लोग जिनकी देश में पूजा होती है वे भिक्षुक थे। इसलिए हमें भिक्षुक बनने में शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। भिक्षा को हम अपनी गुणवत्ता बढ़ाने और अपनी सीमाओं से परे जाने के एक साधन के तौर पर देखते हैं। हर इंसान के लिए अच्छा है कि वह कुछ समय बिल्कुल बिना किसी सहारे के रहे। जब आपका पेट भरा होता है तो आप अपने जीवन में बहुत सारी बुनियादी चीजों को भूल जाते हैं। भूख वह वक्त है जब आप पूरी तरह से शरीर बन जाते हैं। जब आप भूखे होते हैं तो आप बैठकर सोचिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। यह अपने आप में शानदार बात होगी। जब पेट भरा होता है तो आप कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो इसमें वह बात नहीं है। जब आप भूखे होते हैं तो वास्तव में आप शरीर होते हैं। उस वक्त अगर आप अपनी जागरूकता को संभाल सकें और पूरी शालीनता के साथ चल सकें तो आप कुछ और भी बन जाते हैं। गौतम कहते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा भूखे हों तो उस वक्त आप अपने आगे का भोजन किसी दूसरे को दे दें तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं। किसी तार्किक दिमाग वाले इंसान को यह बात मुश्किल से समझ आएगी। वह तो आपसे यही कहेगा, अरे नहीं, शक्तिशाली होने के लिए रोजाना आपको इतनी कैलोरी, इतना प्रोटीन, इतने मिनरल्स लेने ही होंगे। सच्चाई यही है कि जब आप बहुत ज्यादा भूखे हों और आप अपने भोजन को किसी दूसरे को दे देते हैं तब आप जबरदस्त शक्ति का अनुभव करते हैं। तब कोई और भी चीज आपके भीतर प्रवेश करती है। यह एक अलग तरह की शक्ति होती है जो भोजन आपको कभी भी नहीं दे सकता। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।